बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए YouTube चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, शीर्षो पश्चिम में ही हम हैं। अभी मुखिया ने जो जो कहा वो हम आपको दिखा रहे थे। अब कई गांव में भी जो जहां समस्या उस पर दिखाएंगे, लेकिन आज से नॉमिनेशन प्रारंभ हो गया। 5 तारीख से 11 तारीख तक नॉमिनेशन होगा और पहले ही दिन पहला मुखिया के उम्मीदवार जो है वो नॉमिनेशन करने के लिए जा रहे हैं। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद गुलाम रसूल अंसारी उर्फ चुन्ना भाई। चुन्ना भाई, हाँ। ये चुन्ना भाई क्यों नाम रखे आप? एक्चुअल में ये उर्फी नाम है जो मेरे माता पिता ने रखा था मुझे बचपन में प्यार से। आप करते क्या थे आप? एक्चुअल में हम यहाँ पे नहीं रहते थे, हम सऊदी अरब में रहते थे, वहाँ पे जॉब करते थे एज ए परचेजिंग। अच्छा, अब वहाँ से हम यहाँ जब आए हैं, अभी 2 साल हमको हो गया यहाँ आए हुए, तो हम सोचे कि समाज की सेवा में रुके। 2 साल आपने क्या किया? 2 साल हमने मतलब लोगों, हम सोचे कि अब एक प्रतिनिधि के तौर पर अगर सामने आते हैं तो हो सकता है उससे बेहतर हम कर सकें। तो आप योजना को वीडियो से मिल करके निकाल सकते हैं, वीडियो से बात कर सकते हैं? एकदम, उससे हम बात भी कर सकते हैं और सारी बात हम उस पर एक्सप्लेन भी कर सकते हैं किस तरह का कौन योजना, हम उनसे आज डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। क्योंकि बहुत मुखिया और वार्ड मेंबर, इस बार हम बता दें कि बहादुरपुर से 546 से ज़्यादा वार्ड मेंबर ने नामिनेशन किया है, 98 मुखिया किया है। देखा जा रहा है कि मुखिया में वार्ड मेंबर में काफ़ी पैसा है, इसलिए बहुत लोग आ रहे हैं। नहीं, मैं कोई सा विचार है क्या? नहीं, मैं एक्चुअली में पैसा देख करके यहाँ पर नहीं आया, क्योंकि पैसा तो हम वहाँ भी पहले भी ठीक ठाक कमा रहे थे, ऐसा नहीं कि अभी भी आपके पास पैसा, अभी भी पैसा है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है, सो भी बात नहीं। आप व्यवसाय क्यों नहीं कर रहे हैं जो इस लाइन में आई है? तो बहुत खराब लाइन है ये। नहीं देखिए, जब तक अच्छे लोग आएंगे नहीं राजनीति में, तो फिर उसको आप कैसे चेंज कीजिएगा? चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, और शुरुआत कहीं ना कहीं से आपको करना ही है। आपने पंचायत की समस्या देखी होगी। मैंने क्या समस्या आपको लग रहा है कि आप चुनाव अगर जीतते हैं या जनता के बीच क्या क्या कीजिएगा? देखिए, चुनाव अगर हम जीतते तो सबसे पहले हम कोशिश तो यही करेंगे कि जो हमारे यहाँ जो स्कूल है, जो एजुकेशन लाइन है, जिसमें गरीब के बच्चे वहाँ पे जाते हैं पढ़ने के लिए जाते हैं, जो गरीब माँ बाप है अपने बच्चे को वहाँ पर भेजते हैं, सबसे पहले हम कोशिश तो करेंगे कि उसको दूर करें। बाकी ये रोड नाला ये सब तो आपको क्या है कि ये तो एक योजना है, इसके थ्रू आपको एक कमीशन मिलता है, लेकिन हम जो स्टार्ट करेंगे वहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो एजुकेशन लाइन है हम उसको कोशिश करेंगे कि अपने तरीके से। आज आप नॉमिनेशन करने जा रहे हैं? आज हम नॉमिनेशन करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी जो मुखिया है प्रेजेंट में, सब जगह हम पूछते हैं, अगर आपको देना होगा उनको अंक, तो आप कितना अंक दीजिएगा? 10 में कितना अंक दीजिएगा? देखिए, समाम को देख करके ईमानदारी से, ईमानदारी से अगर आप मुझे पूछे तो मैं उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करना चाहता सबसे पहले, इसलिए क्योंकि वो भी इसी समाज के रहने वाले और हम भी इसी समाज के रहने वाले। उसने क्या किया है जनता उसको देख रहा है, हम क्या करेंगे हम अपनी बात आपके सामने रखे हैं, तो डिपेंड करता जनता के ऊपर कि जनता क्या करेगी। तो चले, चुन्ना भाई हैं, बोलते अच्छा हैं और सऊदी अरब में रहे हैं, पैसा का कोई कमी नहीं है, व्यवसाय भी कर सकते हैं, लेकिन समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं, इसलिए वो इस बार मैदान में हैं। हम बता दें, तुफैल जी हैं, आप शिक्षा हैं, शिक्षा क्षेत्र में हैं, आपने शिक्षा क्षेत्र में अपनी ख्याति अर्जित की है, तो इस क्षेत्र में आप किस तरह क्या सोच कर, क्योंकि पंचायत के विकास की जिम्मेवारी आपके भी कंधों पर है, क्योंकि आप इस यहाँ का एक वोटर हैं, एक समाज का नागरिक हैं। देखिए, जैसा हमारे मुखिया ने बहुत अच्छी बात कही है, सुलझी बात कही है, राजनीतिक में ना ढह कर भी इन्होंने बहुत मार्केबल बात कही है, और मैं भी इनके सहयोग के लिए आया हूँ। मैंने भी समाज में, सब लोग समाज के तो हैं, ये एक नया चेहरा है और इसमें वो सारी सूझबूझ है, वो सारी सलाहियत है जो हम लोग के कल्चर और माइंड से मिलता है। ग्रेजुएट है, सलाहियत अच्छी है, ऊपर वाले ने हर कुछ दिया भी है और इसने कहा भी पैसे का लोभ नहीं है। तो हम लोग एक बदलाव चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते हैं कि एक मुखिया बार बार वही नॉमिनेशन करता रहे, बार बार वही जीतता जाए, तो बदलाव होना चाहिए। हो सकता है बदलाव से कोई अच्छा दिशा निर्देश मिले, कोई अच्छी सोच मिले। इन्होंने एजुकेशन के बारे में जो कहा है बहुत अच्छी सोच किया है कि नाला वाला काम तो होते रहता है, तो इसको ऊपर उठाएंगे, और किसी मुखिया से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं अपने तरह से ये चाहता हूँ कि बदलाव। अच्छा, आपके पंचायत में क्या कमी है विकास के क्षेत्र में जिसको दूर करने की आवश्यकता है? बहुत सारी है, एक तो एजुकेशन का जो इन्होंने कहा है उसको दूर करना है, जो सरकारी व्यवस्था है वो सही ढंग से नहीं चल रहा है, देख रेख करने वाला कोई है नहीं, तो कोई ऐसा आदमी पैदा हो कि उस शिक्षा को सुधारे। आज रोड नाले का सब काम होता है इम्प्रूवमेंट का, तो गवर्नमेंट पैसा देती है, कोई मुखिया वो कराएगा और होता रहेगा, और समाज में सबको जोड़ के चलना,
जो सबकी बस की बात नहीं है वो, हाँ वो ये करेंगे, हम लोग सहयोग देंगे। पहले मुखिया को भी बहुत सहयोग दिया है, बहुत किया है, उन्होंने भी काम किया था जहाँ तक उनको समझ में आ गया, लेकिन लोग बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव के कारण आप बदलाव के कारण मैं भी चाह रहा हूँ। आप क्यों आ गए जी, आप क्यों सपोर्ट में घूम रहे हैं? मैं इसलिए सपोर्ट में घूम रहे हूँ कि अच्छा विकास हो, अच्छा सब कुछ। पहले नहीं हुआ था विकास? क्या हुआ था? कम सम हुआ था, लेकिन आप चाहते हैं कि एजुकेशन हो, हेल्थ सेंटर हो और सब कुछ आगे बढ़े। बाकी जो मैं ये चाहता हूँ कि सब लोग का विकास हो। और कुछ तो हम बता दें, शीशो पश्चिमी पंचायत के एक एक प्रत्याशी के भी हम विचार आपको सुनाएंगे। सुनिए सबकी और सभी प्रत्याशी का, हम जो मुख्य चार पांच हैं उनका हम विचार सुनेंगे, क्योंकि ये भी चाहा जाता है कि कई प्रत्याशी ऐसे भी होते हैं जो वोट काटने के लिए खड़े होते हैं, ये पंचायत में ज़्यादा होता है। आप सुनिए सबकी, देखिए ये प्रत्याशी, इनके भी विचार सुनिए, और अगर आपको लगता है कि ये प्रत्याशी सही हैं तो निश्चित तौर पर इन पर विचार कीजिए, क्योंकि आपके ऊपर और एक एक जनता के ऊपर आपके पंचायत के विकास है की जिम्मेवारी है, सिर्फ प्रतिनिधि पर नहीं। आंख बंद कीजिए, दिल पर हाथ रखिए, प्रत्याशी का चेहरा आपके सामने होगा, क्योंकि वही सच्चा प्रत्याशी होगा। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।